वायनाड से प्रियंका गांधी नामांकन कर चुकी हैं और अब चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई हैं। प्रियंका ने वायनाड में जोर शोर से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने अपनी जीत की उम्मीदों को लेकर। अगर वायनाड की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे अगर, तो मैं दिन रात एक करके उनके लिए काम करूंगी, सेवा करूंगी और पूरी तरह से उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझूंगी और उनका समाधान ढूंढूंगी और जहां जहां हो सके उनकी आवाज़ उठाऊंगी। हमने देखा कि आपके नामांकन के मौके पर खड़गे जी के तथाकथित अपमान का मुद्दा उठाया। आप थे कमरे के अंदर थे, आपने देखा, तो क्यों फिजूल की बातें कर रहे हैं? आपने देखा कि कोई अपमान नहीं हुआ? आपने देखा कि मैंने डीएम साहब से पूछा कि खड़गे जी आए हैं? बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उस पे आप क्या कहेंगी उन्हें? मतलब ये अजीब सी राजनीति है और इस दौर से जब देश गुजर रहा है, जबकि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है उनकी समस्याओं का, तो इस समय इस तरह की जो राजनीति है वो एकदम अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता को ये बातें नहीं सुननी है। आपका नामांकन स्वीकार हो गया है, लेकिन हमने देखा बीजेपी ने आपकी संपत्ति आदि को लेकर, एफिडेविट को लेकर के भी सवाल। हाँ, तो स्वाभाविक है कि करेंगे, लेकिन स्वीकार हो गया है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम था या कोई समस्या थी तो स्वीकार नहीं होता। प्रियंका जी, एक साफ साफ बात है, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना डिस्ट्रैक्शंस हैं। भैया बहुत बार कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ कि ये जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए है। असली जो मुद्दे हैं उन पे कभी जवाब नहीं देंगे ये। आलोचना में आपके कहा जा रहा है, अच्छा आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मतलब देखिए ये लोग तो कहते रहते हैं, अगर हमारे देश में एक लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे बिठाया थोड़ी जा रहा है यहाँ, चुनाव हार जाऊंगी तो हार जाऊंगी, जीतूंगी तो प्रतिनिधि बनूंगी यहाँ की, तो इसमें परिवारवाद की क्या बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।